महाराष्ट्र में एनसीपी कोटे से पूर्व मंत्री नवाब मलिक को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी कोर्ट की तरफ से। नवाब मलिक के बारे में आप सबको पता ही होगा, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये जेल के अंदर बंद हैं। कुछ दिनों से क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं पिछले कई महीनों से लगातार ये जेल में बंद हैं। उसके बाद इनकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, इनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक बड़ी अपडेट आ रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि नवाब मलिक ने एक जमानत याचिका दाखिल की थी, और इस जमानत याचिका को लेकर अभी अभी जो अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि कल इस जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई है, और कोर्ट में सुनवाई के दौरान अब जो है फाइनल इसको लेकर कोर्ट के जज के द्वारा भी अपडेट दी गई है। आखिरकार क्या अपडेट है, मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो अभी जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि नवाब मलिक ने एक याचिका दाखिल की थी और जिस पे कल सुनवाई हुई, और कल नवाब मलिक के वकील ने याचिका में दावा किया है कि करीब 5 महीने बाद भी जांच एजेंसी की ओर से कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया गया है। उक्त याचिका पर न्यायाधीश राहुल रोकड़े के समक्ष सुनवाई शुरू हुई थी। नवाब मलिक के वकील के द्वारा ये सारे के सारे स्टेटमेंट दिए गए, यही नहीं उनके द्वारा ये भी बोला गया कि साथ ही गोवा वाला कंपाउंड की जमीन के लेन देन के लिए स्टाम्प शुल्क भी जमा कर दिया गया था। इसलिए चूंकि मलिक ने सरकारी कार्यालय में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है, इसलिए ईडी द्वारा जमीन हड़पने का दावा भी पूरी तरह से वैध नहीं है, तर्क देते हुए अमित देसाई के वकील के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए अब इसको लेकर कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि ठीक है, इस पर हम जो है फाइनल डिसीजन सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम ईडी की बात को सुनना चाहते हैं। उसके बाद ईडी को मौका दिया गया और ईडी ने भी अपना स्टेटमेंट जो है कोर्ट के सामने पेश किया। दोनों के दोनों लोगों के द्वारा अपना अपना स्टेटमेंट पेश करने के बाद फाइनली कोर्ट के द्वारा भी इस पर संज्ञान लिया गया है, और कोर्ट के जज के द्वारा बोला गया है कि अब इस पर फाइनल डिसीजन जो है वो 22 सितंबर को आएगा। 22 सितंबर को इस पर एक बार फिर से फैसला को इस केस पर फिर से सुनवाई होगी और फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि नवाब मलिक को जमानत दिया जाता है या नहीं। फायदा भाई आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।